नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किमी फ्रॉम राइट स्किल्स विद किमी चैनल से, और एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। सो दोस्तों, मैं कम से कम 8 to 9 days बाद आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूं प्लांट्स के ऊपर। सो दोस्तों, हुआ क्या था एक्चुअली, यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था, भागवत शुरू हो गई थी, श्रीमद् भागवत जी का पाठ यहाँ पर रख दिया गया था दोस्तों। तो हम लोग दोस्तों वो भागवत जी में पूरा पूरा टाइम जा रहा था, और हम लोग दोस्तों आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे, लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए दोबारा से वीडियो लेकर आई हूँ। और पहले तो दोस्तों 7 days मेरे उसमें चले गए, उसके बाद होली का दोस्तों त्यौहार आ गया और फिर हम लोग होली में लग गए। अब दोस्तों दोबारा से मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाना शुरू कर रही हूँ, और इसी तरह डेली वीडियो आप लोगों के लिए बनाती रहूँगी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी क्या क्या नए नए चेंजेस इन 7 to 8 days में हमारे इस गार्डन में हुए हैं। जब से 10 days से मैंने आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बनाया है, तो इसमें क्या क्या चेंजेस मेरे गार्डन में हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे जो हॉली हॉक है वो सब ब्लूमिंग पर आ चुके हैं और सब ब्लूम करने लगे हैं, और एक तो छोटे हैं अभी, जिनमें अभी भी कलियाँ बन रही हैं, उनमें भी कोई ब्लूमिंग मुझे नज़र नहीं आई है। तो देखेंगे दोस्तों उसमें क्या आता है। और उसके बाद दोस्तों, मैं थोड़ा सा, हो सकता है मुझे खांसी वगैरह उठे आए बीच में वीडियो में, क्योंकि लगातार दोस्तों इतना ज़्यादा मेहनत करने के बाद, डेली 5 बजे उठने के बाद, फिर 12 बजे सोने के बाद, 5-5 घंटे की नींद से मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ख़राब हो गई, और दोस्तों सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी लग गई मुझे। तो अब मैं आप लोगों के लिए वीडियो को स्टार्ट करना चाहूँगी दोस्तों। सॉरी गाइस। सो दोस्तों देखिए, इस वक्त मेरे हॉली हॉक खिले ये स्टार्ट हो गए हैं। तो ये डबल हॉली हॉक है, मल्टी पेटल नहीं है, और इसकी पेटल्स आप लोग देख सकते हैं, इसकी पेटल्स दोस्तों किस तरह की कटिंग में है। तो जैसे कटीले कटिंग वाले इसके पत्ते थे, ये देखिए, वैसा ही पिंक कलर कटिंग के साथ इसमें मेरा निकला है, ये देखिए यहाँ पर। और इसी के ठीक नीचे कटिंग वाला ही पिटूनिया लगा है, देखिए ये कटिंग वाला पिटूनिया है जिसकी पेटल्स में साइडों में कट्स होते हैं। तो कटिंग वाला पिटूनिया लगा हुआ है दोस्तों इसके साथ। और ये वाला एक हॉली हॉक है दोस्तों, इसमें अभी मुझे कोई ब्लूमिंग दिखाई नहीं दी है, देखिए इसमें मुझे अभी तक कोई ब्लूमिंग दिखाई नहीं दी है। और देखेंगे इसमें कौन सा कलर आता है। इसकी लीव्स इससे थोड़ी सी डिफरेंट है, तो हो सकता है कलर थोड़ा सा चेंज हो, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है दोस्तों, सीडलिंग में ज़्यादातर कलर पिंक ही निकलते हैं, पिंक शेड निकलता है। तो मुझे लगता है दैट ये भी पिंक ही निकलेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मेरा दूसरा हॉली हॉक है, ये नॉर्मल पिंक कलर निकला है, देखिए ये नॉर्मल हॉली हॉक है जो कि बिल्कुल सिंगल आता है, और ये भी पिंक कलर है और नर्व डिज़ाइन के साथ है, अगर आप लोग देख सकें तो नर्व डिज़ाइन के साथ है। डिज़ाइंस अलग अलग हैं, लेकिन हॉली हॉक थोड़ा सा पिंक कलर ही निकला है, देखिए कितनी सारी ब्लूमिंग हो गई है इसमें। नेक्स्टली गाइस, ये भी पिंक कलर है, लेकिन ये डबल पेटल है, देखिए। और ये भी वही कटिंग वाला है, लेकिन साइज थोड़ा सा बड़ा है। सो ये तो है दोस्तों हॉली हॉक। इसी के साथ दोस्तों हमारे ये मॉस रोज, यानी कि पोर्टोलिका जिसे हम कहते हैं, तो वो भी खिलने शुरू हो गए हैं। पोर्टोलिका देख सकते हैं आप लोग, और वहाँ पर आप लोग पर्सलिन देख सकते हैं, पर्सलिन ने भी यहाँ पर ब्लूमिंग देनी स्टार्ट कर दी है। तो देखिए एक ये वाली कली, देखिए हो सकता है ये अभी खिल जाए, ये देखिए, वैसे जहाँ तक है ये 2 दिन खिल चुकी है, तो स्पेंड हो गई होगी। ये वाली देखिए, इसमें कलियाँ भी आ रही हैं, ये देखिए दोस्तों, ये येलो कलर है और रेड कलर है इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर ये एक थोड़ा सा अपडेट है कि यहाँ पर प्लांट्स पिटूनिया के अपना टाइम पूरा कर चुके थे, तो अब यहाँ पर मॉस रोज का टाइम आ गया है। ये देखिए, ये ऑरेंज कलर का भी यहाँ पर खिलने लगा है, और अभी तो बहुत छोटा है, लेकिन फ्लावरिंग देनी शुरू कर दी है। तो दोस्तों यहाँ के भी पिटूनिया अभी तक खिल रहे हैं, तो यहाँ के मैंने चेंज नहीं किए हैं, मॉस रोज से इनको नहीं बदला है। तो मेरे पिटूनियास की जगह यहाँ पर मॉस रोज लेंगे, जो कि बिल्कुल पिटूनिया की ही तरह हैवी ब्लूमिंग देते हैं। तो देखिए इस वक्त यहाँ पर पिटूनियास खिले हुए हैं, और मेरी ये
इस लता में कलियां आ गई हैं गुलाब की, और पिंक कलर के रोजेस आ रहे हैं। सो दोस्तों, यहाँ पर मेरे देसी पिटूनियास ने भी सुंदरता देनी शुरू कर दी है। देखिए, ये बाद के लगे हुए हैं, तो ये मेरे कुछ कुछ बैकअप प्लान होते हैं दोस्तों, जिन प्लांट्स को मैं थोड़ा सा बाद में लगाती हूँ, जिससे मेरे गार्डन की ब्लूमिंग ख़त्म ना हो। ये देखिए दोस्तों, तो ये देसी पिटूनिया आप खिलने स्टार्ट हुए, पूरा लद गया। देखिए यहाँ पर ये पर्पल लदा हुआ है पूरा। ये देखिए पीछे नस्ट्रेशियम, सॉरी गाइस, खांसी बहुत हो रही है दोस्तों आज। ये देखिए यहाँ पर डेलिया खिल गया है, तो मैं आप लोग देखते रहिए, थोड़ा थोड़ा सा कम बोलूँगी। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोटस की जो लीव्स है वो ग्रीन होनी शुरू हो गई है, और वाटर कैबेजेस मैंने इसमें 2-3 छोड़ दिए थे, और ये पूरा बढ़ना शुरू हो गया है अब। यहाँ देखिए, यहाँ दोस्तों रेड कलर का डेलिया खिल गया है, ये देसी गुलाब यहाँ पर खिल गया है, बटन रोज में अभी कलियाँ आ रही हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये पोर्टोलिका, देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, मेरे हाथ के साइज से अंदाजा लगाइए कितना बड़ा पोर्टोलिका आया है इसमें। ओ सॉरी गाइस, मैं तो इसे पोर्टोलिका समझ बैठी, ये रेनिकुलस है दोस्तों। थोड़ा सा सेम, बिल्कुल सिमिलर लग रहा है, और साइज भी सेम लग रहा है, और नीचे पोर्टोलिका भी लगा हुआ है, तो इसलिए मैं इसे समझ बैठी कि ये इतना बड़ा पोर्टोलिका कहाँ से खिल गया। ये रेनिकुलस है दोस्तों, रेनिकुलस मेरा अभी भी खिल रहा है, एक एक कली दे ही रहा है, तो ये रेनिकुलस है, बिल्कुल पोर्टोलिका के साइज के बराबर है, और लग भी सेम रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ एक पिंक शेड के साथ डबल वाइट कलर हॉली हॉक। ये देखिए दोस्तों, कैलिफोर्निया पॉपीज। ये देखिए गेंदे भी दोस्तों खिलने शुरू हो गए हैं, ये भी गेंदे का प्लांट है। उधर दिखा देती हूँ दोस्तों आपको मैं, यहाँ पर दोस्तों ये पिटूनिया है, ये देखिए पिंक कलर का पिटूनिया, ये मेरा बाद में हुआ। देखिए कितना सुंदर खिल रहा है, नेस्ट्रेशियम देखिए, पिटूनिया देखिए दोस्तों। मेरे पिटूनिया तो अभी तक भी दोस्तों सारे बचे हुए भगवान की कृपा से। पानी का बहुत विशेष ध्यान रखती हूँ मैं, अब तो ये दिन में 3-3, 4-4 बार भी पानी मांग लेते हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। देखिए कितनी खांसी हो रही है ना दोस्तों मुझे। यहाँ पर दोस्तों ये पिंक कलर का रोज है, काफ़ी बड़ा खिला हुआ है, मैं बहुत सारे रोज़ इसमें से निकाल चुकी हूँ, काट चुकी हूँ, तो ये मेरा पिंक कलर का एक रोज़ खिला हुआ है, और एक दोस्तों कली खिली हुई है। ये दोस्तों कोरल कलर की, मैंने पहले भी दिखाया था, एक कली यहाँ पर बनी हुई है। ये दोस्तों ब्लैक रोज़ खिलना शुरू हो गया है, देखिए ब्लैक रोज़, ये देखिए ब्लैक रोज़ खिलना शुरू हो गया है, बिल्कुल मरून कलर होता है दोस्तों, पता नहीं क्यों ब्लैक नाम रख रखा है। चलिए ब्लैक रोज़ खिलना शुरू हो गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर वाइट रोज़ है, ये देखिए ये वाइट रोज़ है, यहाँ पर एक फूल, दूसरा फूल, तीसरा फूल, चौथा फूल, और यहाँ पर ढेर सारी कलियाँ भी साथ में, और ये देखिए एक मैच्योर कली है यहाँ पर। यहाँ दोस्तों हिबिस्कस, ये देखिए सी बिस्कस का देखेंगे दोस्तों हम लोग। सी बिस्कस का बारे में हमें ये पता चला है कि सी बिस्कस के कलर 4 रंगों में बदलते हैं दोस्तों। पहले ये थोड़ा सा क्रीमिश आएगा, फिर येलो कलर हो जाएगा, फिर दोस्तों रेड कलर होगा, फिर मरून कलर होके ख़त्म हो जाएगा ये फ्लावर। देखेंगे कि ये 4 चेंजिंग कलर प्लांट कैसा लगेगा। ये दोस्तों यहाँ पर ये बॉटल में पिटूनिया खिल रहा है। जिन जिन फ्लावर्स की फ्लावरिंग लेट थी दोस्तों, उन फ्लावर्स का लेट ही मौसम जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये साल्विया, पर्पल कलर का साल्विया लदने लगा है अब। ये देखिए दोस्तों, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये है मॉस रोज, और खूब हरे भरे हो गए हैं, येलो कलर की ढेर सारी कलियाँ इसमें आ गई हैं। देखिए खूब सारा मॉस रोज हो रहा है, उसके अंदर कॉक्सकॉम भी हो रहा है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ढेर सारे हो रहे हैं। ये हॉली हॉक का कलर मुझे इसका पता नहीं चला है, देखेंगे दोस्तों।
एक तो कम से कम रेड निकलना चाहिए। यहाँ देखिए दोस्तों मॉस रोज येलो, और ये सारी मेरी कटिंग्स हैं। मॉस रोज की एक खास बात होती है, अगर जो कटिंग आपने ली है और उसके आगे कली है तो उस कली को हटाने की दोस्तों ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उस कली कली के समेत ही उसको लगा दीजिए, वो कली आपकी नेक्स्ट डे कलम में ही खिल जाएगी। अगर आपने एक दिन लगाया और इसमें मैच्योर कली थी तो दूसरे दिन दोस्तों वो कली खिल जाएगी, उस कली को हटाने की ज़रूरत होती ही नहीं है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये सनफ्लावर है, डार्क वेराइटी वाले जो होते हैं दोस्तों सनफ्लावर, जो मैंने ये यहाँ पर छोटी छोटी सी पौध लगा दी थी वो बड़ी हो चुकी हैं। बोल्सम बड़ा होने लगा है, देखिए दोस्तों बोल्सम खूब बड़ा हो गया है, और कई बोल्सम बड़े हो गए हैं। यहाँ पर जीनिया बड़े हो गए हैं दोस्तों, जीनिया पूरा पूरा बड़ी बड़ी पौध बन चुकी है। कोचिया ने खूब अच्छी तरह से ग्रीनरी फैला ली है, देखिए गुलाई लेनी शुरू कर दी है अपनी। यहाँ दोस्तों नींबू के प्लांट की पौध ने भी बहुत अच्छा मुझे ये दिखाया है सुंदरता। और यहाँ देखिए दोस्तों ये सलाद पत्ता है पर्पल कलर वाला, जो सुंदरता देता है हमारे सैलेड को। तो देखिए ये लेटस कितना अच्छा सुंदर से दोस्तों हो रहा है। यहाँ दोस्तों लौकी की बेल है, इसे हम लोग ट्रांसप्लांट करेंगे बहुत अच्छी तरह से और ज़मीन में लगाएंगे दोस्तों, और अच्छी तरह से लौकी की बेल को फैलाएंगे। यहाँ मैं नहीं फैलाऊंगी, टेरेस पे ज़्यादा वो हो जाएगा, तो मैं इसे ज़मीन में फैलाऊंगी। देखिए कितनी अच्छी तरह से हो गई है लौकी की बेल यहाँ पर। और दोस्तों ये यहाँ पर कॉक्सकॉम है येलो कलर का, ये देखिए दोस्तों पोर्टोलिका येलो कलर। अभी मेरे पास पर्सलेन की मैंने कलम कम बनाई है, अभी और बनाऊंगी मैं, कलम बन रही है मेरी धीमे धीमे। देखिए ढेर सारे यहाँ पर पर्सलेन भी लगा रखे हैं मैंने, ये देखिए पर्सलेन है, ये पोर्टोलिका है, मॉस रोज जैसे हम कहते हैं। यहाँ दोस्तों पेपर प्लांट देखिए कितना बढ़िया तरह कली दे रहा है, ढेर सारी कलियाँ दे रहा है। और ये फ्लोरल रोज़ देखिए दोस्तों, फ्लोरल रोज़ कितनी बढ़िया है, देखिए बढ़िया तरह ब्लूमिंग कर रहा है, ढेर सारी फ्लोरल रोज़। और ये दोस्तों देखिए मैरीगोल्ड, इनका ध्यान दोस्तों इन 7 दिनों में रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन भगवान की कृपा है जो एक भी प्लांट मेरा मेरी गलती की वजह से डाई नहीं किया, उम्र पूरी करके डाई किया दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर कैक्टस कैसे लगा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ चेंजेस जो कि अभी मैं इतने ही दिखाऊंगी आपको अपने गार्डन में। देखिए यहाँ पर ये थे मेरे कुछ चेंजेस मेरे गार्डन में, कई प्लांट डाई भी कर गए लेकिन अपनी एज पूरी करके डाई किए, और हमारी गलती की वजह से नहीं किए कि हमने पानी नहीं डाला, ऐसा कुछ नहीं था। बार बार हम लोग भागवत के बीच में से उठ उठ के आते थे और बार बार हम लोग इनमें वाटरिंग करते थे, और सुबह दोस्तों 5 बजे उठे थे, 5-5 घंटे की नींद हम लोगों ने ली थी, और बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने इनकी केयर की, बिल्कुल भी पानी कम नहीं होने दिया। और दोस्तों एक प्लांट तो मैं आपको दिखाना ही भूल गई बीच में, देखिए ये दोस्तों रात की रानी भी यहाँ खिलना शुरू हो गया है, खूब खुशबू आती है इसमें। अब तो ये बंद हो गया दोस्तों, मैं थोड़ा सा और सुबह के टाइम आपको दिखाती तो इसकी कलियाँ खिली हुई होती हैं। देखिए ये रात की रानी है, रात की रानी ने कलियाँ देनी शुरू कर दी हैं, और बहुत बढ़िया तरह से ये प्लांट हमारा रेडी हो गया। इसी की कटिंग जो टूट गई थी जब मैं इसे लाई थी दोस्तों, तो मेरी एक कटिंग इसमें से टूट गई थी और वो गिरने से टूट गई थी, उस कटिंग को भी मैंने लगा दिया था, तो वो कटिंग भी मेरी दूसरा प्लांट भी तैयार हो गया है। सो गाइस बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थोड़ी तबीयत ठीक करके मिलूंगी दोस्तों, जिससे कि अच्छी तरह से आप लोगों से बात कर सकूँ, आज बात करने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।